तो गाइस यार फ्री फायर के अंदर वन टैप हेडशॉट मारने के लिए और यार एक प्रो प्लेयर के जैसे अल्ट्रा फास्ट गेम प्ले के लिए आपका गेम के अंदर कुछ सेटिंग का सही होना बहुत ही जरूरी है। और यार अगर आपका गेम के अंदर सेटिंग यार सही से सेट नहीं है ना तो आपका यार कभी भी वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा, साथ ही में यार ना ही आपका गेम प्ले अच्छा रहेगा। तो इसलिए यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रो प्लेयर के यार सीक्रेट ऐसे जबरदस्त सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसको यार हर बड़ा प्लेयर यूज करता है। और अगर यार आप भी इन सेटिंग्स को जान लेते हो तो आपके हेडशॉट भी काफी आसानी से लगने लगेंगे, साथ ही में यार आपका गेम प्ले भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए यार वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को यार बिना स्किप के पूरा देखना। और यार वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है बेसिक पर। बेसिक पर आने के बाद भाई यहाँ पर बीचों बीच सेटिंग सिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर भाई उसके आगे अपलोड और डाउनलोड लिखा रहा है। कई बार क्या होता है आपका फ्री फायर अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर गलती से क्लियर डाटा कर देते हो तो भाई आपका सारा सेटिंग्स भाई फिर से करना पड़ जाता है, यहाँ तक कि भाई कस्टम एचयूडी भी, ठीक है। इसके चक्कर पर भाई गेम प्ले भी, वन टैप हेडशॉट सारा कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना है यहाँ पर अपलोड वाला जो ऑप्शन है ना उसको आप लोगों को क्लिक करना है और अपलोड वाला क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। अब क्या होगा कि आपका जो सेटिंग है वो आपके मोबाइल पर सेव हो चुका है। अब जब भी आप फ्री फायर इंस्टॉल करोगे या फिर भाई फिर से ओपन करोगे तो सिंपली भाई आपको डाउनलोड को क्लिक कर देना है, सारा सेटिंग्स भाई वापस आ जाएगा। है ना कमाल का सेटिंग। ओके गाइस तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को आ जाना है कंट्रोल्स पर। कंट्रोल्स पे आने के बाद भाई यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन दिख रहा होगा, अगर आप लोगों ने अभी तक ऑलवेज पे नहीं करा तो कर लेना यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको करने के बाद भाई आपका बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे क्या करते हैं अभी भी भाई राइट फायर बटन से ग्लोअल लगाते हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं क्योंकि इससे भाई बहुत ज़्यादा स्लोली लगता है। लेकिन इसी को जब आप लेफ्ट फायर बटन से इस तरीके से लगाओगे ना तो कितना स्पीड से लग रहा है देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसका फायदा यही है। ओके गाइस अब वन टैप हेडशॉट के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है गाइस क्विक वेपन स्विच। अगर आप लोगों ने अभी तक इनेबल नहीं करा तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप वन टैप हेडशॉट लगाना चाहते हो ना तो आपको भाई इसको ऑन कर लेना है, उसके बाद आपको आ जाना है कस्टम एचयूडी पर। कस्टम एचयूडी पर आने के बाद भाई यहां पर क्विक वेपन स्विच एंड रन वाला बटन को ऐसा सेट करना कि आप फास्टली क्लिक कर सको। ओके उसके बाद भाई इसका फायदा मैं आपको बताता हूं। यहां पर बहुत सारे बंदे अभी भाई गन बॉक्स से स्विच करते हैं, लेकिन भाई जब आप गन बॉक्स से स्विच करते हो ना तो आपका बहुत स्लोली स्विच होता है और भाई मजा नहीं आता खेलने में। लेकिन उसी को जब आप भाई क्विक वेपन स्विच से करोगे ना, यानी कि भाई इससे, वो भाई बहुत फास्टली आप लोग स्विच करने लगोगे, साथ ही साथ आपका वन टैप हेडशॉट भी तगड़ी लगने लगेगी और आपका मूवमेंट स्पीड भी एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। तो जरूर से आपको इस सेटिंग को कर लेना है। अब बढ़ जाते हैं गाइस नेक्स्ट सेटिंग की ओर। ओके गाइस अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और नीचे भाई ग्रेनेड स्लॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये अगर आपका सिंगल स्लॉट पे है ना तो आपको डबल स्लॉट कर लेना है, क्योंकि भाई सिंगल स्लॉट करते हो ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर देखो मैंने कर लिया है भाई सिंगल स्लॉट पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारा कुछ भाई एक ही सेटिंग पर आ गया, मतलब ग्रेनेड हो गया, स्मोक ग्रेनेड, ग्लू वॉल, सारा कुछ एक ही पर भाई। तो इसमें क्या होता है पता है, जब आप स्पीड स्पीड खेलते रहोगे ना तो कई बार भाई ग्लू वॉल के चक्कर पे ग्रेनेड आ जाता है, तो इसी के चक्कर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर भाई सिंगल स्लॉट को आपको डबल स्लॉट कर लेना है अगर नहीं करा तो, क्योंकि भाई डबल स्लॉट करने पर क्या होगा पता है, एक परमानेंट ग्लू वॉल बटन यहाँ पे आ जाएगा जो कि नहीं खिसकेगा और नीचे भाई बाकी सारा कुछ भाई नीचे आ जाएगा। तो ये भाई बहुत ज़्यादा फायदा है। और उसके नीचे भाई एक और सेटिंग होता है जो कि है स्मार्ट थ्रो का, इसको भाई ऑन मत करना मेरा मानो तो, ठीक है। अगर ऑन करना चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या होता है पता है, ग्लू वॉल क्लिक करते ही भाई ग्लू वॉल लग जाता है, ठीक है। तो ये मुझे पसंद नहीं है भाई, आपको पसंद है तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेटिंग की ओर। अब गाइस थोड़ा सा नीचे आने पर रन मोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर गाइस तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट क्लासिक, सेकंड ड्रैग और थर्ड मिक्स्ड। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम लोग क्लासिक पर देखते हैं। क्लासिक पर जब आप करते हो ना तो सिंपल है भाई, जैसे रन वाला ऑप्शन रहता है ना, स्प्रिंट का ऑप्शन सिंपल रहेगा, जब क्लिक करोगे तो रन करेगा। लेकिन इसी को जब आप ड्रैग पर कर देते हो ना, चलो मैं ड्रैग करके देखता हूँ, ड्रैग कर दिए, अब क्या होगा पता है, अब भाई वो रन जो स्प्रिंट वाला बटन है वो गायब हो चुका है। अब कैसे रन करेगा, जब आप जॉयस्टिक को ऊपर की ओर स्लाइड करोगे, ठीक है, इस तरीके से जब आप ऊपर की ओर स्वाइप करोगे तो डायरेक्ट रन करेगा, ठीक है। ये तो हो गया भाई ड्रैग की बात। अब गाइस एक और ऑप्शन है, वो है मिक्स्ड का। मिक्स्ड कर दोगे ना तो यहां पर क्या होगा पता है, दोनों ऑप्शन खुल जाएगा, रन वाला ऑप्शन भी, रन वाला ऑप्शन आ चुका है, और नीचे भाई ड्रैग करोगे तो भी रन करेगा। तो ये दिक्कत है भाई, इसलिए मैं सिंगल पर रखता हूं, आप लोग भी सिंगल पर रख सकते हो, क्योंकि मूवमेंट करते वक्त भाई जॉयस्टिक से रन कर देता है,
ओके अब गाइस आप लोगों को आ जाना है लास्ट सेटिंग पर, जो कि कंट्रोल्स का लास्ट सेटिंग है, टीममेट निकनेम। ओके यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, हाइड और डिस्प्ले। अगर यहाँ पर हाइड कर देता हूँ ना तो अपने ही टीममेट का नाम दिखना बंद हो जाता है भाई, ऐसा लगता है एनिमी है। तो ये भी बहुत दिक्कत होती है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, हंसी आती है मेरे को तो। ठीक है, तो इसको आप लोग को डिस्प्ले पर ही रखे रहना है। अब आपको आ जाना है ऑटो पिकअप पर। ऑटो पिकअप पर आने पर भाई यहाँ पर उसके साइड पर देखो प्रायोरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, जब आप प्रायोरिटी पर क्लिक करोगे ना तो आपको जो भी ऑप्शन सबसे पहले दिख रहा है ना वो सबसे पहले उठाता है। मतलब भाई देखो, जैसे एक लूट बॉक्स पड़ा हुआ है तो यहाँ पर भाई वेपन मेरा सबसे पहला नाम आ रहा है तो भाई सबसे पहले वेपन उठाएगा, उसके बाद एमओ आ रहा है तो उसके बाद एमओ उठाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोग सेट कर सकते हो क्या उठाना चाहते हो पहले। ओके, कोई भी लूट बॉक्स है या फिर कोई जगह लूट जगह पे। ठीक है, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पर मान के चलो एमओ को ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले एमओ उठाएगा। ठीक है, एमओ उठाने के बाद जितना एमओ उठाना है उतना एमओ उठाएगा, उसके बाद वेपन उठाएगा जब तक आप क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, अगर अब मेडिकिट को ऊपर कर देते हैं तो जैसे आपको मेडिकिट जरूरत होती है जल्दी से तो आपको क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लूट बॉक्स जाओगे तो डायरेक्ट मेडिकिट उठा लेगा। अब गाइस यहाँ पर उसके अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे पाँच पाँच मेरा देखो मेडिकिट सुपर मेडी इस तरीके से मेरा सेट है। तो यहाँ पर होता क्या पता है, जितना उठाना चाहते हो ना उतना आप लोग उठा सकते हो। जैसे लूट बॉक्स पे बहुत सारी मेडिकिट पड़ी है, आपको दो ही चाहिए तो आप दो सेट कर दे रहे हो, हर बार भाई दो ही उठाएगा, उससे ज़्यादा नहीं उठाएगा। ये अच्छी सेटिंग है। आप यहाँ पे ARMO में आओगे ना तो ARMO, SMG MO, SG MO सारा MO भी यहाँ पे हो जाएगा, ताकि भाई आप 150 अगर पकड़ते हो ना तो 150 ही उठाए, उसके ज़्यादा नहीं। ओके, तो गाइस नीचे भी कुछ कुछ सेटिंग है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, सारा समझ में आ जाएगा। अब आपको आना है डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर भाई एक ही चीज़ आप लोग को बोलूँगा, अगर आप चाहते हो कि सही सलामत गेम प्ले हो, स्मूथ गेम प्ले हो ना, और आपका मोबाइल कैपेबल है तो ज़रूर से भाई इसको हाई FPS पर ओके कर देना। ओके, इससे भाई अच्छा खासा 60 FPS पर आप लोग गेम प्ले कर पाओगे, जिससे आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ओके, अब आना है साउंड पर। साउंड पर भाई एक ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और वो है गाइस एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इसको ऑन कर लेना। इससे होगा क्या पता है, जैसे आप लोग लॉबी पर गेम पर बात कर रहे हो अपने दोस्तों से और भाई इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज कर दिया तो वहाँ भी चले गए, लेकिन भाई बैकग्राउंड पर अभी भी फ्री फायर वालों से बात करते रहोगे, तो है ना बहुत ज़्यादा खास, तो जरूर से एक बार करके देखना। ओके, तो गाइस नेटवर्क पर आना है। नेटवर्क पर भाई आप लोग बहुत सारे बंदे बोलते हो कि भाई पिंग इशू होता है, तो आप लोग क्या करना है यहाँ पर इसको कंफर्म कर देना कि नेटवर्क को ऑप्टिमाइजेशन को। यहाँ पर होगा क्या पता है, आप अपने डाटा को ऑन कर लेना और किसी का वाईफाई भी ले लेना, दोनों से यूज़ करेगा और आपका पिंग सही सलामत चलेगा। ओके, आई होप गाइस यहाँ पर भाई जितने भी सेटिंग बताया सारा कुछ आप लोग समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और हाँ नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक जरूर कमेंट